लड़की को एक बार घर लेके आए थे जो कि वेश्या दत्ती की थी। ये चौंकाने वाला बयान है लखनऊ के पीएससी इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की पत्नी का। ये वही सतीश कुमार सिंह है जिनके घर के बाहर ही अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर जान ले ली थी। इस घटना से एक तरफ जहां पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, तो इसी बीच सतीश कुमार सिंह की पत्नी के इस चौंकाने वाले बयान ने सबको चौंका दिया है। दरअसल लखनऊ में पीएससी के इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या के मामले में हर पहलू से पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की कई टीम इस मामले की छानबीन में जुटी भी हुई है। इस दौरान इंस्पेक्टर की पत्नी भावना ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि उनके पति प्रोस्टिट्यूट को घर लाते थे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था। आपको बता दें, इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह पीएससी में तैनात थे। इस वक्त उनकी तैनाती 4th बटालियन प्रयागराज में क्वार्टर मास्टर के पद पर थी। वैसे उनका परिवार कृष्णनगर थाना क्षेत्र की मानस नगर कॉलोनी में रहता है और 2 दिन पहले ही वो लखनऊ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे थे। दिवाली की रात इंस्पेक्टर अपनी पत्नी भावना सिंह और 10 साल की बेटी के साथ घर पर लौटे थे, लेकिन घर के बाहर उनकी कार जैसे रुकी और वो घर का गेट खोलने के लिए कार से जैसे नीचे उतरे, तभी घर का गेट खोलते समय अज्ञात हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे इंस्पेक्टर को लगी और वह जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पुलिस लगातार अनजान हमलावरों की तलाश कर रही है, लेकिन इसी बीच अब इंस्पेक्टर की पत्नी भावना सिंह ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उनका कहना है कि इसी साल जनवरी में सतीश कुमार सिंह किसी लड़की को घर पर लेकर आए थे जो एक प्रोस्टिट्यूट थी। उनकी बेटी ने उनके पति को उस लड़की के साथ घर में आते हुए देखा भी था। भावना के मुताबिक उनकी बच्ची ने उन्हें लड़की के घर में आने की बात बताई थी। इसके बाद खुद भावना ने उस लड़की को अपने पति के साथ पकड़ा भी था, लेकिन इस मामले का खुलासा होने के बाद वो सतीश के घर वालों ने भावना का मुंह बंद करा दिया और कहा कि किसी को इस बारे में बताना नहीं है। भावना की माने तो इस तरह की घटनाएं एक बार नहीं बल्कि कई बार घर के अंदर हुई थी। लड़की को एक बार घर लेके आए थे जो कि वेश्या दत्ती की थी। हालांकि इस हत्याकांड से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भावना के इस खुलासे ने कहीं ना कहीं पुलिस को भी कंफ्यूज कर दिया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और अब देखना यह भी होगा कि कब तक इस मामले का खुलासा होता है और वो लड़की कौन है जिसका भावना ने जिक्र किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।